आपका नाम क्या है और पहले क्या करते थे और अभी क्या करते हैं? मैम, मेरा नाम सुंदरी इस्तम है। मैं पहले 15 साल की थी, तब मेरे को नक्सलवादी संगठन में उठा के ले गए। अच्छा। तो मैं कम से कम 10 साल माओवादी काम कर सकी। मैम, सबसे पहले गांव में बच्चे लोगों को संगठित बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे किसी को गाना चौक रहता है, किसी को बंदूक पकड़ना चौक रहता है, ऐसे अपना मन से। तो आपका शौक क्या था, मतलब क्या सुन के आप चले गए? मैम, मैं छोटी सी थी, बहुत गाना गाती थी, तो मेरे को अपने से उठा। तब जब भर्ती हुए, आपका उम्र कितनी थी और भर्ती होने के बाद अपना लाइफस्टाइल जंगल में कैसा रहा? और घर वाले ऐसे छोड़ दिए कि आप जाओ वहाँ पे मिलो उन लोगों के साथ, ऐसे कभी हुआ? क्यों छोड़े? नहीं मैम, मैं तो बचपन में छोटी छोटी बच्चे लोगों के साथ खेल रहा करती थी, तभी मेरे को उठा के ले गए मेरे मम्मी पापा लोगों को बिना बताए। तो 1-2 साल के बाद ला देंगे बोल के ले गए, बाद में घर में नहीं छोड़े। तो मैं बढ़ते बढ़ते वो शैतान नाट्य मंच CNM डिवीजन CNM में 1-2 साल काम की। उसके बाद फिर बटालियन डॉक्टर सिम सदस्य AC नंबर थी, वहाँ पे बटालियन जाने के बाद मेरे को एक सपना का आंध्रा वाली तेलुगु वाली लेडीज को मैं गनमैन करती थी। अच्छा, आप वहाँ पे मतलब शूट भी कर दिए थे, मतलब पुलिस वाले को भी शूट किए हैं? बहुत 2-3-4 घटना भी मिली थी मैम, मैं खुद ही घायल हो गई थी। अच्छा, तो कितने लोगों को आप वहाँ जब संगठन में थे, माओ संगठन में थे, क्या क्या काम करते थे, कैसे काम होता था? बहुत परेशानी रहता है महिला लोगों को, तो बरसात या गर्मी कपड़ा लत्ता बराबर नहीं मिलता है, खाने पीने का, ये सब बहुत परेशानी रहता है। बाद में मैं बढ़ते बढ़ते मेरे को दिमाग में थोड़ा समझ में आया, तो मैं ये गलत रास्ता में आई हूँ, तो मेरा मम्मी पापा लोग भी ख़त्म हो गए। उसके बाद मैं घर वापस आने का मौका नहीं मिला, तो मैं सोची मैं घर जाऊंगी बोल के अपने दिमाग में सोची, बोल नहीं पाई, किसी को नहीं बताई। फिर 2012 लास्ट में मैं बटालियन को छोड़ के घर आ गई। तो आप बोल रहे थे कि मम्मी पापा नहीं है, जब घर आए तो घर में कौन कौन थे? मेरे भैया आए। अच्छा, तो मम्मी पापा का देहांत कब हो गया, इसके बारे में भी आपको कुछ पता नहीं? नहीं पता। कैसा, मतलब कैसा लगता है ये सब, जब आप शांत में होते हैं, अकेले में होते हैं, जब सोचते हैं, तो उस टाइम में क्या सोचते हैं? बहुत याद आता है। क्या सोचते हैं? मतलब मेरे को जन्म किए उनको एक दिन पानी या खाना उनको सामने, मतलब मैं अब तक नहीं दी ना। अच्छा। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। घर में रहती तो मम्मी पापा लोगों के साथ रहती तो मैं ऐसे मतलब इधर उधर नहीं भटकती। नक्सली कम से कम 10 साल करने के बाद भी उन लोग ख़त्म होने के बाद भी मेरे को अगर घर भेजे रहते तो कम से कम शहर देखने का मिलता। जब वहाँ पे आप माओ संगठन में थे, वो लाइफ सबसे अच्छा था और या ये बेहतर है? ये बेहतर है। क्यों, ये बेहतर क्यों है? अभी अभी तो हम लोग बचपन से लेकर हम लोग अंधेरे में जैसे जंगल जंगल घूमते थे, यहाँ आने के बाद हम लोग शहर घूमे और सब जान के साथ बाजार मार्केट सब ये देखने का मिलता है, उजेले हम लोग एक अच्छा रास्ता अपना लिया। ये सुनते सुंदरी का कथा आउट के आपको जीवा मैडम को पचारीबा। मैडम, आपका नाम क्या है, आप कैसे, आप भी सरेंडर कर चुके हैं और अभी देश के लिए काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए आप काम करते हैं, क्या कैसे, क्या था लाइफ जर्नी, क्या था? मैं पहले नक्सली में थे, 2019 में भर्ती किए नक्सली में थे, कि 2000 में 16 में सरेंडर की मैं जी। मैम, हम तो सुंदरी जी की बात सुन रहे थे कि वो गाने का शौक़ था, वो सोचे कि गाना गाऊंगी, वहाँ पे जाऊंगी, ऐसा सोच के चली गई, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही घटना घटी उनके साथ। आपके साथ ऐसे क्या हुआ था, आप क्यों चले गए थे उन लोगों के साथ? मैं वहाँ जाके मैं भी नाचेंगे वहाँ, शायद उन लोग की बचपन से सिखाई थी, पार्टी में आओ यहाँ आए, घर में नहीं रहना है बोल के घर में आके वो बता दिए। मैं सोच के ठीक है, मैं भी जाके मैं भी लड़ाई करूँगी बोल के
जाऊंगी। वहाँ पे कैसा लाइफ होता है जब जंगल जंगल भटकते रहते होते हैं, ठिकाना नहीं होता है, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे खाना खाएंगे, कुछ नहीं होता है, तब वहाँ पे कैसा क्या होता है? जी कि क्यों उधर हम लोग, मैं उधर जाके मेरे को पता है कि यहाँ खाने पीने का नहीं है, कपड़ा लाता नहीं है, कुछ नहीं मिलता है उधर। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी इधर अच्छा है, सिलेंडर कीने के बाद अच्छा जीवन चल रहा है। मैम आपका नाम क्या है और आप क्यों चले गए थे? सब तो अपने अपने ज़िंदगी बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं, आप क्यों चले गए थे? मेरा नाम काराम सुशीला है। पहले तो नक्सली काम किए थे, 4 साल काम किए थे, उसके बाद सिलेंडर किए थे 2019 में। अच्छा, नक्सल के साथ 4 साल काम किए हैं। क्या क्या काम करते थे वहाँ पे? वो नक्सली में प्लाटून रहे थे। हाँ, प्लाटून में आप क्या करते थे वहाँ पे? प्लाटून थे, क्या काम करते, क्या पुलिस कहाँ कहाँ रास्ता में आए थे, आम्बुस करते, पुलिस आने बाद फायरिंग, यही सब काम किए थे। अच्छा। नक्सली में दोनों सलेंट किए। तो दोनों मतलब कौन कौन, आप और मेरा पति? अच्छा, दोनों माओवादी टीम में काम कर, दोनों काम किए एक ही टीम में। अच्छा, शादी कहाँ पे हुई? शादी यही नक्सल में शादी किए थे। अच्छा, नक्सल में शादी हुई थी? हाँ जी। अच्छा, कैसा शादी हुआ था वहाँ पे? नक्सल में कैसे तैयार हो गया? तैयार करके शादी, हाथ मिला करके शादी किए। हाथ मिला के शादी, चलो अब सही लग रहा है कि यहाँ पे दोनों सरेंडर करके एक साथ खुशी के जीवन बिता रहे हैं। अब कैसा फील हो रहा है? ये अच्छा लग रहा है। देखु तो ले भोनी मानन को कथा, ए माने समस्ते पूर्वरु माओवादी मानन को संगठन रे रही काम करथले, आ समस्तंकर अलग अलग कहानी रही छि, के नाची नाची माओवादी मानन को सहित मिसी जाई छि, तो आ के गीत को भल पाउथला बोली माओवादी मानन को गीत सुनी माओवादी टीम रे मिसी जाई छि, किंतु परवर्ती समय रे तांको मन रे परिवर्तन आसी छि, आ वर्तमान से माने महिला दंतेश्वरी टीम रो फाइटर टीम रे काम करुचंती, आ माओवादी मानन को दमन करुचंती। सतरे ए मानन को परिवर्तन देखि लाखु छि, एमाने देश पाई किछि करि जिबे, आ देश पाई निजर जीवन को दे देबे। जते बेले पूर्वरु से माने माओवादी मानन को सहित मिसी माओवादी मानन को सहित शहीद हे जिवु बोली भावुथले, एबे किंतु परिवर्तन घटी छि। एमाने कहउचंती एबे जदि मरिबु ए देश पाई मरिबु, ए माटी मां पाई मरिबु। सतरे एमानकर ए साहसिकता को मोर सहे सलाम।